राहुल गांधी का कहना है कि आपने एक सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत ही एडवांस्ड सर्वेलेंस का तरीका बनाया है आरोग्य सेतु के जरिए, और महामारी का फायदा उठाकर आप इस वक्त लोगों पर नजर रख रहे हैं। आप कहते हैं ये झूठ है, क्या है आपकी दलील? देखिए, पहले बात आपसे मैं कहूंगा अंजना जी कि राहुल गांधी को देश की इस चुनौती का एक आप रेफरेंस पॉइंट मत बनाइए, ये मैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा। राहुल गांधी की टेक्नोलॉजी कितना समझते हैं, आर्थिक विषयों को कितना समझते हैं, इस पर कभी चर्चा हो सकती है और चर्चा होनी भी चाहिए, यह बात मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात अवश्य कहूंगा, कृपा करके अभी राजनीति बंद करिए। आपकी पार्टी का क्या इतिहास रहा है सर्वेलेंस का, वो भी चर्चा कभी आगे करेंगे। देखिए अंजना, जब दवा नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को कैसे चेतावनी दे सकते हैं, कैसे आगाह कर सकते हैं, ये है कोरोना सेतु। भारत की आबादी 130 करोड़, देश में मोबाइल फोन लगभग 121 करोड़, आधार 126 करोड़, आज स्मार्टफोन भी लगभग 60 करोड़ प्लस हो गए हैं। तो हमें गर्व है कि डिजिटल इंडिया में हमने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? ये जो आरोग्य सेतु है, ये सिंपल काम ये करता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए जो संभावित है या जो ग्रसित हो गया, तो आपको वो चेतावनी देता है कि ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में है, आप सावधान होइए। या खुद आप कोई दूसरा व्यक्ति हो गया, वो कहां कहां गया, किससे किससे मिला, आपको मालूम है ट्रेसिंग बहुत जरूरी है ताकि उनको, आप देख रहे हैं अमेरिका में भी आज ही कल देखे एक दुर्भाग्यपूर्ण एक भारतीय डॉक्टर, उनकी बेटी मर गई, जो दोनों बड़े डॉक्टर थे। तो ये दिक्कत है, दिल्ली हो बाकी हो, तो इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को चेतावनी देते हैं। और अंजना जी, आपके दर्शकों को मुझे बहुत विनम्रता से बताना है, देश में 9.5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो 9.5 करोड़ लोग इसकी विश्वसनीयता पर विश्वास करते हैं। अब ये कैसे काम करता है? निजता का कोई उल्लंघन नहीं है, किसी का नाम इसमें नहीं आता है, सारा डेटा इंक्रिप्टेड होता है और ये लिमिटेड समय के लिए होता है, अल्पावधि के लिए। जनरल डेटा 30 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा, और किसी ऐसे व्यक्ति का डेटा है जो ग्रसित है तो 45 से 60 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा। और किसी को अगर इतना पर और कोई निजता का उल्लंघन नहीं है, फिर मैं कहूंगा ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए और राष्ट्रहित में है। लेकिन अंजना जी, अगर किसी को इतनी परेशानी है तो भैया जी आप डाउनलोड मत करिए, हो गई बात। लेकिन अगर किसी को इस चुनौती भरे इतनी परेशानी है तो डाउनलोड मत करिए। एक काउंटर क्वेश्चन है सर, नोएडा में इसे मैंडेटरी बना दिया गया है, यानी पनिशेबल ऑफेंस, चेकिंग कर रही है पुलिस कि आपने डाउनलोड किया है या नहीं, सजा का प्रावधान कर देना, ये कहां तक उचित है? देखिए, बाद में मुझे लगा और आप कानून मंत्री भी हैं, आप कानून मंत्री भी हैं, उस लिहाज से भी मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं रविशंकर जी। मेरा आपसे उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है वो इस पर काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी है, कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए और इंप्लॉयज के लिए गाइडलाइन दिया कि आप सब लोग कोरोना आरोग्य सेतु को डाउनलोड करो, अब किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है कि भाई आपको ऐसी क्या परेशानी है, आप कारण दीजिए, ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए है, ये तो आपकी सुरक्षा के लिए है। तो देखिए, इसको कानून और प्राइवेसी के बहस में उलझाना ही गलत है। मैं फिर आपसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, और जो करोड़ों लोग इसको स्वेच्छा से डाउनलोड भी कर रहे हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं क्या 9.5 करोड़ लोग कम होते हैं क्या? तो इसके पीछे की पूरी बहस प्रायोजित है। और अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सबसे तेज चैनल के दर्शकों को एक बात मैं और बताना चाहता हूं, दुनिया के कई देश इस तरह के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, पश्चिमी देश भी हैं, अमेरिका भी है, बाकी देश भी हैं, क्योंकि कोरोना तो दुनिया भर में है। वहां पर ये सवाल उठते हैं क्या, उठ रहे हैं क्या? आपको मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन में कहा गया आप घर में रहिए,
दफ्तर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो कुछ लोग कहेंगे हम स्कूल जाएंगे क्या, हम दफ्तर जाएंगे क्या, हम पार्क में घूमेंगे क्या, हमको मॉल खुलवाओ क्या, ये वही बहस है। ये देश हित में, सुरक्षा हित में अगर ये काम किया जा रहा है तो इसको समझना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।